नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। बांदा जिले के कस्बा कमासिन में आदर्श ग्रामीण उत्थान समिति ने निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया। इस परीक्षण में 132 मरीजों का चेकअप करके उनको फॉलोअप के अंतर्गत 23 मरीजों को निशुल्क चश्मा भी दिए गए। इस दौरान मोतियाबिंद के 30 मरीज चिन्हित किए गए, जिनमें 22 मरीजों को सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड में लेंस प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया। इसके साथ ही 45 मरीजों में रेटिना, ग्लूकोमा और पर्दा की बीमारी पाई गई, जिन्हें निशुल्क दवा भी दी गई। 42 मरीजों का विजन चेक किया गया, जिन्हें निःशुल्क चश्मा और दवा दिया गया। जानकी कुंड से आए हुए डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता नेत्र सहायक, सीएल सोनकर नेत्र सहायक, ब्रजेश यादव ऑप्टिकल, राजा राम सेन काउंसलर, पंकज गौतम मेडिसिन जवाहरलाल तथा अरविंद बकड़कू ने मरीजों का विधिवत परीक्षण किया। आदर्श ग्रामीण उत्थान समिति के सचिव भवानी दीन यादव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया। मुन्ना तिवारी, ज्ञान यादव पत्रकार मरीजों की सहायता किए। सचिव श्री यादव ने बताया कि महीने की 20 तारीख को निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्लॉक के मरीज जो नेत्र की बीमारी से पीड़ित है उनकी जांच की जाती है और क्षेत्र को मोतियाबिंद रहित करने के क्रम में जानकी कुंड चिकित्सालय अपना पूरा सहयोग दे रहा है। पंकज गुप्ता ने कहा कि नेत्रदान महादान के उद्देश्य को समझे और अधिक से अधिक नेत्रदान की प्रतिज्ञा ले। यह खबर बांदा से हमारे संवाददाता संतोष कुशवाहा की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे जन संदेश टाइम्स।